हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं कुंडमाला। ये है कल्याणी मैम। कल्याणी मैम अपनी सारी स्टूडेंट्स को लेके और हम स्कॉलर्स भी सभी जा रहे हैं कुंडमाला जा रहे हैं। अभी अकुर्दी स्टेशन पे हैं और कैसे जाना है कल्याणी मैम बताएंगे। अभी हम अकुर्दी रेलवे स्टेशन पे हैं। यहाँ से हम जाएंगे बिटकेवाड़ी, वहाँ से हम ऐटो से जाएंगे कुंडमाला। वहाँ पर हम स्टूडेंट को पॉट्स होल दिखाने वाले हैं। सामने हैं सीनियर प्रोफेसर पदवी सर और वो पॉट होल्स कैसे बने हैं उनके बारे में बता रहे हैं। इधर है कल्याणी मैम और अपने स्टूडेंट्स को जो है वो पॉट होल्स के बारे में बता रही हैं। और ये देखिए किस तरह से पॉट होल्स बने हुए हैं, नदी ने कितना गहरा इरोशन किया है और कितना सुंदर दृश्य और कितना अच्छा लग रहा है देख के। और सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग और इतना जो है कठोर पत्थर भी जो है कट गया है कैसे नदी के द्वारा। और ये सारा दृश्य देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही मनोरम और ज्योग्राफिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जो है गहरा पॉट होल्स बनाए गए हैं। देखिए ये पॉट होल्स देखिए ये कितना ज़्यादा बोलते हैं। नेचर ने भी सभी जगह समान रॉक नहीं दिया है। वहाँ ऐसा भी होता है कि पानी फ्लो में एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, फिर उस डिप्रेशन में छोटे छोटे जो रिवर के पानी के साथ जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो छोटे से पत्थर पहले छोटे वाले जो पॉट होल क्रिएट होते हैं जो डिप्रेशन है उसमें जाते हैं। वहाँ वो एक मैकेनिकल टूल्स के रूप में काम करता है और वे छोटे से पत्थर एक बड़े साइज़ का क्रिएट करता है, फिर उसमें बड़े पत्थर फंस जाते हैं और बड़े पत्थर इस तरह से पानी अब जब आता है तो प्रेशर में तो वो बहुत ही स्पीड में वो एक जैसे छेनी जैसे हम लोग यूज़ करते हैं पत्थर को काटने, उस तरह वो छेनी का काम करता है और उससे फिर उससे साइज बड़ा होता जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ छोटा सा पॉट होल बना है, फिर ये उससे बड़ा बन गया है। आप देख सकते हैं इससे भी बड़ा पॉट होल ये बन गया है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से पॉट होल इस तरह से क्रिएट हुआ है यहाँ इंद्रायणी रिवर के रिवर बेड में कि आपको वैरायटी ऑफ पॉट्स होल मिलेंगे और उसमें आप यहाँ कैसे ये बड़ा वाला पत्थर जो है ये आप देख सकते हैं कि इतने बड़े पत्थर इसमें फंसे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब फुल स्पीड में पानी आए इसे भी मूव करना पड़ेगा और ये इस अपने साथ में जो पास के जो पत्थर है उसे काटेंगे और उससे और भी बड़े पत्थर बन जाए पॉट होल बन जाएंगे। और ये पॉट होल सिर्फ पॉट होल नहीं रहता है, आगे चल के वो एक वैली का भी रूप क्रिएट कर लेता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक तो सामने से आप दिखाएंगे तो वैली का रूप इसने ले चुका है। अब जहाँ आप सामने से अगर देखेंगे तो प्रॉपर ये वैली बन चुका है। ये ऐसा भी होगा छोटा छोटा पॉट होल जब एक साथ इकट्ठा होता होगा और एक दूसरे से जब मिल जाते हैं पॉट होल क्रिएट छोटे पॉट होल बन बन के और एक सीक्वेंस में अगर बन जाते हैं तो उस तरह सारे पॉट होल एक आपस में मिल जाते हैं और वैली का रूप ले लिया। हेलो मैम, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, व्यू अच्छा था। रांजन खड़गे बर ठीक है, रांजन खड़गे अच्छे थे और सभी के साथ मिलकर अच्छा लगा, ट्रिप अच्छी हो गई। अभी नेक्स्ट पूजा कौन पूजा जल्दी तुम बोलो कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? रांजन का अच्छे लगे? वो अच्छे नहीं लग रहा था, समझना था कैसे बनता है तो समझ में आया। सर ने बताया, समझ में आया आपको? आपको सब समझ में आया? सचिन सर आपका रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है।
उधर विजिट किए, और विजिट में हमें बहुत सारी पार्टी सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर करके बताई जो हमें हमारे स्टडी में बहुत काम आई। थैंक यू, गुड डे। कल्याणी मैम, नाउ इट्स योर टाइम। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हमने पॉट्स को देखे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक ज्योग्राफिकल फीचर्स हमने देखा और बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, बहुत सारे फोटोज खींचे, बहुत सारे फोटो खींचे, देखिए स्टूडेंट को कितने शरारती स्टूडेंट्स हैं। And now it's your time, सुबह बहुत अच्छा था, हो गया आनंद, आनंद जी नाउ इट्स योर टाइम। मैंने पहली बार ऐसे बड़े बड़े पॉट्स देखे और बहुत ही डेवलप्ड, और इतना भी बड़ा था कि वो वैली का भी रूप ले लिया था, और इंद्रायणी नदी में आने का पहली बार मौका मिला। पहले इंद्रायणी नदी के नाम से मैंने इंद्रायणी एक्सप्रेस का नाम सुना था, अब मैं पूरी तरह क्लियर हूँ। मैंने इंद्रायणी राइस का और खाया भी, इंद्रायणी राइस का ही।